क्योंकि मैं भी एक राजपूत हूं और मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि राजपूत जो है एक कम पढ़ी लिखी कौम है, मार कुटाई से भरपूर है, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। एक हमारा बड़ा ही अजीब किस्म का इमेज माशरे के अंदर दिया गया है, जबकि हम इससे बड़े मुख्तलिफ हैं। आप देखेंगे दीनी एतबार से हो या दुनियाई एतबार से, राजपूत आला मकाम पर है। मसलन आप ये देखिए कि कायद आजम मोहम्मद अली जिना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो राजपूत थे, उनकी गोद लोहाना थी। पाकिस्तान जिन्होंने बचाया, 11 निशान हैदर में से 9 निशान हैदर जो थे वो राजपूत थे, ये आपके सामने। तो दुनिया के एतबार से, दीनी एतबार से, अच्छा आइए अब दीनी एतबार से देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में हमारे राजा मुसलमान हुए, हमें लोग कहते हैं हम नौ मुस्लिम हैं, हम तो सहाबी रसूल की औलाद हैं, क्योंकि जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की वो सहाबी हो गया। हमारे चार राजाओं ने इस्लाम कबूल किया उस दौर में, इस्लाम के अव्वल दौर के अंदर, मक्की दौर के अंदर। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि राजपूत एक बड़ी अजीम कौम है, बड़ी कौम है, और इसका वो मकाम जो गुम हो गया है इसको वापस दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, इस कौम की जिम्मेदारी है।